Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. स्वच्छ तो हो गए ना, नहीं तो गुरुदेव इन्हें धारण नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए माता, एक भी निशान नहीं है इन पर। ये अन्न के दाने ठीक से सूख गए हैं ना? हाँ माता, इन्हें मैं भून दूंगी। आप गुड़ेश के लिए गुड़ धानी बना दीजिएगा। ठीक है, मैं माता पार्वती को बुलाती हूँ, हम दोनों साथ मिलके बनाएंगे। अतिरिक्त धीरज रखोगे तो कहीं मधुमक्खियां अतिरिक्त फल न दे दे। भागो गणेश भागो। अद्भुत, आहा, मैंने कहा था ना, धीरज का फल मीठा होता है। ओ रुको मित्रों, मैं भी आ रहा हूँ। गणेश जी संभल कर। अरे गणेश जी रुको रुको संभल कर। मधुमक्खियां उड़ो बाजसुर, उड़ जाओ। हो गया कल्याण, मधुमक्खियों से तो बच जाएंगे, पर माता अहिल्या से कौन बचाएगा? अरे ये सब किसने किया है ये सब? हाँ, ये वस्त्र बिखरे हुए हैं, मटके फूटी हुई है, ये अन्न नीचे गिरा हुआ है, किसने किया है ये सब? किसकी लीला है ये सब? आपके गणेश ने ही किया है माता। देखिए ना माता, सारे धुले वस्त्र फिर से मैले करवा दिए गणेश ने, और गणेश ने अन्न भी गिरा दिया माता, और मेरी मटकी भी फोड़ दी गणेश ने। देखिए माता, क्या कर दिया आपके गणेश ने। जब से गणेश आया है आप उसे हमारा गणेश कहते थक नहीं रही थी, और आज जब उससे भूल हुई है तो आपका गणेश हो गया। नहीं 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 माता, मेरा अर्थ ये है कि देखिए ना, हमारे गणेश ने क्या कर दिया है। गणेश, तुम्हारा जो होगा सो होगा, हमें भी दंड मिलेगा। माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो आपकी ही आज्ञा मान रहा था। मेरी आज्ञा? हाँ माता, आपने कहा था ना आश्रम के बाहर मत जाना, तो जब मधुमक्खियाँ पीछे पड़ी तो आश्रम में ही भागना पड़ा और ये सब हो गया। मधुमक्खियाँ? पुत्र, उन्होंने तुम्हें कहीं काटा तो नहीं ना पुत्र? नहीं माता, मुझे तो नहीं, किसी अन्य को काटा हो तो वो मुझे पता नहीं। अब आप ही बताइए माता, दोष मेरा है या मधुमक्खियों का? नहीं पुत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। देखा आपने, इसके पीछे मधुमक्खियां पड़ी थी और आप यूं ही इसे दोष दे रहे थे। किंतु कोई पूछिए तो इनसे, मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ी क्यों? वो तो आपके कारण माता अहिल्या। मेरे कारण? कैसे? वो माता,
आप अकेले अकेले लड्डू खा रही थी, हमने देख लिया। हमें भी मीठा खाने का मन हुआ और वृक्ष से मीठा मधु गिर रहा था, तो हम सब भी मीठे का आनंद लेने लगे। ये क्या गणेश, सारा दोष मुझ पर। बताओ भला प्रसाद खाने में भी कोई दोष है क्या? ये भी कोई कारण हुआ मधु के पीछे भागने का? हाँ कोई बात नहीं, आज के बाद मधु के पीछे भागने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम सबको। भोजन के साथ ढेर सारे लड्डू खाने को मिलेंगे, पेट भर के खाना। बाज तो भूल कर भी नहीं भूलेगा इसकी ये करतूत, बस एक बार ये अकेला मिल जाए इसको ऐसा दंड दूंगा ना। माता अब दंडित करने के स्थान पर लड्डू खिलाने जा रही है अपने गणेश को। फिर मेरे गणेश के स्थान पर अपने गणेश? किंतु मेरा पुत्र तो निर्दोष है, ये सब जानबूझकर थोड़ी ही किया इसने। आज से तुम्हें एक और नियम का पालन करना होगा। नियम 4, आश्रम में जब सभी अपने कार्यों में व्यस्त होंगे तब तुम्हें वहाँ ना खेलना है ना दौड़ना है। उचित है माता। बस यही रह गया था, अब हम खेल भी नहीं सकते। हम बालकों पर इतना अत्याचार, हमारे खेलने का समय और भी कम हो गया। अब तुम सब जाओ और विश्राम करो, ये सब हम समेट लेंगे। माता मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, किंतु मुझे उसे सुधारने का अवसर दीजिए, मैं इनकी सहायता करना चाहता हूँ। मित्रों प्रत्येक कर्म का परिणाम होता है, इसीलिए यदि भूल से कुछ बिगड़ जाए तो उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, हम भी तुम्हारी इसमें सहायता करेंगे। मैं कहती थी ना कि मुझे मेरे गणेश के गुणों पर पूरा विश्वास है, इनके साथ रहेंगे तो दूसरे बालक भी कुछ ना कुछ अवश्य सीख जाएंगे। सब काम हो गया, अब हमें विश्राम करना चाहिए। ठीक है चले जाओ। चलो मित्रों। आप खुला मेरा भाग्य, जो बनेगा इसका दुर्भाग्य। गणेश क्या हुआ, तुम्हें विश्राम नहीं करना? करना तो है माता, किंतु मैं भी चला गया तो इस अन्न की देखभाल कौन करेगा? कोई पशु या पक्षी इन्हें बिखेर कर चला गया तो? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम जाओ मैं किसी और को भेजती हूँ इसकी निगरानी रखने। नहीं माता, भूल मुझसे हुई थी इसलिए ये तो मेरा ही कर्तव्य है ना। गणेश इसके पीछे तुम्हारी कोई नटखट बाल लीला तो नहीं है ना? नहीं नहीं माता, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। यहाँ धूप से हटकर बैठना ही उचित होगा, आओ गणेश। उचित है माता, मैं इस अन्न का ध्यान रखते रखते थोड़ा विश्राम कर लूंगा, आप जाइए विश्राम कीजिए। जी क्या कर रहे हैं? अनाज है वो, उसका अपमान तो मत कीजिए।
उसे मत बिखेरिए। शत्रुता मुझसे है तो मुझ पर निकालिए ना, अन्न के दानों पर नहीं। इन्हें ही बिखेरूंगा, अवश्य बिखेरूंगा। कहा ना, ऐसा मत कीजिए, माता अहिल्या मुझे ही डांटेंगी। डांट तो तब पड़ेगी ना, जब जीवित रहोगे। देखिए, बहुत चेतावनी दे चुका, रुक जाइए, अन्यथा। अन्यथा क्या करोगे तुम, एक और चेतावनी दोगे? कितना मना किया था, आप माने ही नहीं। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो दुष्ट बालक। लो, छोड़ दिया। मेरी चेतावनी क्यों नहीं सुनी आपने? अन्न के दाने कितने बिखरे पड़े हैं, माता अहिल्या आ गई तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। बालक से पराजित हो गए। मैं मेरी मानो तो तुम भी यहाँ से निकल जाओ, वो कोई साधारण बालक नहीं है, अद्भुत है, उससे भिड़े तो तुम्हारा भी यही परिणाम होगा। वास्तव में वो तो विष दंती के प्रहार से प्राणियों के दंत हिल जाते हैं, क्योंकि मेरा प्रहार सामने से नहीं पीछे से छिपकर होता है। ये सब क्या है? माता आप समझिए, देखिए मैं यहाँ बैठा था, आपने मुझे यहाँ बैठाया, फिर आप चली गई। मैं तो अच्छे कार्य के लिए बैठा था, किंतु वो वहाँ से एक बड़ा बाज आया ऐसे उड़ान भरते हुए, आप देखती ना वो। बस गणेश बस, आप पहले बालक नहीं है जिन्हें माता अहिल्या ने पाला है, किंतु कहानी सुनाने वाले आप पहले हैं। किंतु अभी ये कहानी मुझे नहीं, आपको माता पार्वती को सुनानी होगी, फिर देखते हैं माता पार्वती क्या कहती है। नाव दो धाराओं में बहेगी तो संकट में ही तो पड़ेगी। माता अहिल्या विश्वास और अविश्वास के अधर में थी, और गणेश पर तो अभी एक और संकट छाने वाला था, है ना स्वामी? जहाँ परम श्री कृष्ण के तत्व हो वहां तो एक ही धारा बहती है, नटखट बाल लीलाओं की, सभी उसी के भाव में बहकर मुग्ध हो जाते हैं, तो श्री गणेश उन बाल लीलाओं में पीछे कैसे रहते, जिनमें एक सरलता भी है और जिनके पीछे एक गूढ़ रहस्य भी छुपा है। हे प्रभु, सबकी आशा पर निराशा के काले बादल न छा जाए। पुत्र, ये मटकी फोड़ना, ये सब वस्त्र मैल करना, अन्न बिखेरना, ऐसा बालकों जैसा व्यवहार क्यों? बोलिए गणेश, क्यों? माता, बालक तो बालक होते हैं और मैं भी तो एक बालक हूँ। हाँ गणेश, तो मैंने कब कहा कि आप बालक नहीं हो? किंतु यदि आपके कारण किसी को कष्ट हो, ये क्या कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, किंतु माता आप मेरी बात भी तो ध्यान से सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं समझाता हूँ। नहीं 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 गणेश, अब मुझे कुछ नहीं समझना, अब जो कुछ भी समझाना माता पार्वती को समझाना, वो समझेंगे भी और आपको समझाएंगे भी। वो माता है तो आप भी तो मेरी गुरु माता हैं। आपने ही तो कहा था माता के समान स्नेह देंगी मुझे,
सदा मेरा ध्यान रखेंगी। जो माता ध्यान रख सकती है, क्या वो दंड नहीं दे सकती? आप जो भी दंड देंगी, मुझे स्वीकार है माता। इसका अर्थ ये है कि ये नटखट अपराध आपने ही किया है। लगता है गुरु माता ने गणेश को पकड़ लिया। माता, दंड दीजिए, अवश्य दीजिए, किंतु बस इतना सुन लीजिए, ये सब जो भी हुआ एक विशालकाय बाज के कारण हुआ। ओ, अच्छा अच्छा, तो एक विशालकाय पक्षी था इसके पीछे ना? माता मेरी बात मान लेंगी तो कम दंड मिलेगा। हाँ माता, इतने लंबे विशाल पंख फैलाए, अपनी बड़ी सी चोंच बड़े बड़े पंजों के साथ आया था यहाँ। वो बार बार अन्न बिखेर रहा था, मैंने तो उसे बहुत रोका, किंतु माता वो। बस गणेश, कहानी गढ़नी ही थी तो कुछ और ही गढ़ लेते। एक विशाल काय पक्षी यहाँ क्यों आएगा और वो भला अन्न क्यों बिखेरेगा? हाँ गणेश, मैं खूब समझ रही हूँ तुम्हारी ये लीला। तुम्हारे इस भोले मुख के पीछे ना एक नटखट बालक छिपा है। पहले दंड और फिर उससे बचने के लिए कहानी, किंतु अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहली बार मधुमक्खियां थी, इसलिए माता पार्वती ने क्षमा कर दिया, और इस बार आपने अपना दोष मान लिया, इसीलिए मैं क्षमा करती हूँ। क्षमा कर दिया माता ने, बच गए हम। माता, मैं ये अन्न समेट कर आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। गुणेशी, क्या कर रहे हो? इससे तो अन्न और बिखर जाएगा, मत करो ऐसा। माता, लंबी छलांग वाला पीछे हटता है तभी लंबी छलांग लगा पाता है। वैसे ही मैं भी अन्न समेटने के पहले उसे थोड़ा बिखेर रहा हूँ। तो नहीं है ये बालक। उचित है, ये तो ठीक कर दिया आपने, किंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब एक अच्छे बालक के समान रहना भी होगा और अपने इस नटखट स्वभाव को नियंत्रण भी करना होगा। इसके पश्चात कुछ हुआ तो देख लेना। हे प्रभु, इस बालक के चक्कर में प्रभु का भोग ही नहीं लगा पाई। सूर्यदेव का तेज सर चढ़ आया है और मैंने तो अभी तक कुछ बनाया भी नहीं। आज तो बस गुड़ ही चढ़ा पाऊंगी। बात सुर ने उचित कहा था, दिव्य भी है ये बालक और चतुर भी, किंतु इसकी चतुराई भी विष दंती के विष से नहीं बचा सकेगी इसे। ऐसा वार करूंगा किसी को आभास भी नहीं होगा और मेरा कार्य भी संपन्न होगा। अब क्या करने वाला है गणेश? चलो देखते हैं ना। नहीं नहीं, मैं संकट में नहीं पड़ना चाहती। पता नहीं गणेश क्या करने वाला है। अत्यंत विलंब हो गया है आज, मुझे शीघ्रता करनी होगी। हाँ।
प्रभु आज मुझे क्षमा कर भोग मानकर इस गुड़ को ही स्वीकार करने की कृपा कीजिए। माता भगवान को भोग चढ़ा रही हैं, तो थोड़ा गुड़ मुझे भी तो दे सकती थी। मैंने इतना श्रम किया है, मेरा पेट भी भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। ओहो, मुझे फिर से भंडार गृह जाना होगा। क्या हुआ गणेश? हाँ, तुम्हारी दृष्टि कहाँ हट गई है मित्र गणेश? और क्या करने की सोच रहे हो तुम गणेश? वो वहाँ प्रभु माँ गणाधिपति जी की प्रतिमा? नहीं नहीं, वो देखो जो प्रतिमा के सामने है। दीपक? वहाँ तो दीपक है। हाँ, और वहाँ तो कुछ है नहीं, वो गुड़ से भरी थाल, वो देखो ना। हाँ, थाल तो है वहाँ, पर करोगे क्या? गुड़ ले आऊंगा, मिल बांट कर खाएंगे। इसमें तो संकट है, बहुत बड़ा संकट। हाँ, तृप्ति ने उचित कहा था कि पकड़े गए तो गुरु माता दिन में ही तारों के दर्शन करवा देंगी। भीरू हो तुम सब, यदि कुछ पाना है तो उसका मूल्य तो चुकाना होगा, थोड़े संकट का सामना तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं गणेश, ऐसा मत करो। धैर्य का फल चखा था ना तुमने, कैसा था? मीठा, बहुत मीठा। तो मित्रों, श्रम का फल उससे भी मीठा होता है। माता ने देख लिया तो ऐसा फल मिलेगा ना कि कभी भूल नहीं सकेंगे। भूल जाओ संकट को, उसका सामना मैं करूँगा, श्रम भी मैं ही करूँगा और मीठा फल मिलेगा सबको। तुम्हें बस मुझे भीतर जाने में सहायता करनी है, करोगे ना? तो लौट रही है। लो मित्रों, माता आ गई, शीघ्रता करो गणेश, शीघ्रता करो। कर तो रहा हूँ किंतु आ नहीं पा रहा। हाथ दो गणेश, हाथ दो। विश्वास नहीं होता, ये वही चमत्कारी बालक है जिसने बासुर को फेंक दिया, बिखरे हुए अन्न को पल में समेट दिया और अब ये खिड़की से बाहर नहीं निकल पा रहा। कैसे हम लोग पकड़े? हाथ दो, हाथ दो। इसे असाधारण समझना तो एक भ्रम था, मैं तो जो करूंगा बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले दंड तो इसके माता ही इसे देंगी। बच गए। मैंने कहा था ना चिंता मत करो, लो अब खाओ। चिंता मत करो, खाओ खाओ। तृप्ति? नहीं नहीं, अधिक है तो मुझे दे दो, मैं खा लेता हूँ। अच्छा अब बताओ, इससे तुम्हें क्या सीख मिली? श्रम करने में
सफलता असफलता नहीं देखते, बस श्रम करते हैं, फिर मीठा, बहुत मीठा फल मिलता है। मन तो मेरा भी कर रहा है, किंतु माता के क्रोध से डर लग रहा है। ये क्या, आज पूजा से पहले ही प्रभु ने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया, ये कैसे हो सकता है? संभव है आज शीघ्रता करते करते मैं खाली थाल लेके चली आई। कोई बात नहीं, मैं गुड़ लेके आती हूँ। आहा, माता और गुड़ ला रही है। थोड़ा और परिश्रम करती है ना। मीठा गुड़, इसे कड़वा कर दूंगा, विषैला कर दूंगा इसे, मेरा कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज बार बार विलंब हो रहा है, पता नहीं मैं गुड़ लाना कैसे भूल गई। ओहो, तो ये गुड़ प्रभु का नहीं, गणेश का भोग बना था। उससे पूछा तो फिर वो अपनी मिश्री जैसी मीठी बातों में मुझे घुमा देगा, उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा। प्रभु, हे प्रभु, विलंब के लिए क्षमा। आज मैं आपको इतना स्वादिष्ट, इतना मीठा गुड़ चढ़ाऊंगी कि आपको भी आनंद आ जाएगा। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। ये गुड़ देखकर तो मेरे मुंह में पहले से ही पानी आने लग गया। देखिए ना प्रभु, आज मैं कुछ ना कुछ भूलती जा रही हूँ। पहले गुड़ भूल गई और अब जल। अब मुझे बस कुछ पल और दीजिए, मैं आपके लिए निर्मल जल अभी लेके आती हूँ। तो जाल है, माता तो यहीं खड़ी है। चलो चलो, शीघ्रता करो। द्वार पर ही है, कहीं नहीं गई। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आओ आओ, पीछे पीछे पीछे। अपने आश्रम में, अपने निवास में, अपना प्रसाद खाने में क्या संकोच? आओ ना, कोई नहीं है यहाँ। क्या पीछे, पीछे। क्या देखूं पीछे, मुझे पता है वहाँ क्या है। स्वादिष्ट मीठा गुड़ जो माता के लौटने के पहले हम फिर चट कर जाएंगे। अवश्य, भोग तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु गुड़ का नहीं। माता, मेरा अनुमान सही था, तो आप ही हो। पकड़ा जा सकता हूँ, ये तो मुझे पता था, किंतु आप दंड देने के लिए रस्सी ही ले आएंगी, ये नहीं पता था। कुशलासुर, तुम्हें इसी अवसर का लाभ उठाना है। अब ये इसे बांधेंगी और मैं इसे भेदूंगा। पिछली बार ही दंड देती ना, तो ये सब कुछ करने का साहस नहीं होता आपको। किंतु मेरा दोष क्या है माता, मैं तो प्रसाद ग्रहण कर रहा था, जैसे आप भोर में कर रही थी। और मैं तो आपके समान अकेले भी नहीं खा रहा था, मिल बांट कर खा रहा था। बस गणेश, बार बार ये सब कुछ कहकर दंड से बचना क्यों चाहते हैं आप? ठीक है, तो इस बार
माता पार्वती तय करेंगी कि उनके गणेश को क्या दंड मिलना चाहिए। आप फिर भूल रही हैं माता, आपने तो मेरा ध्यान रखने का वचन दिया था और अब आप ही मुझे दंड दिलवाने ले जा रही हैं। माता अपने बालकों को कष्ट होते हुए, दंडित होते हुए नहीं देख सकती, वो तो उन्हें बचाती है, उनकी भूल समझाती है और आप मुझे समझाने के स्थान पर दंड दिलवाने ले जा रही हैं। आप एक बार और समझा कर देखिए ना, आप समझाएंगी तो मैं समझ जाऊंगा, फिर कोई दोष नहीं होगा मुझसे, और यदि हुआ तो जितना कठोर दंड चाहे दे दीजिएगा। आप माता है मेरी, ये तो आपका अधिकार है माता। तो ऐसा कुछ करते ही क्यों हो जिससे मुझे क्रोध आए और फिर समझाना पड़े। किंतु संतान बुरी आदतें सीखे, माता ये भी तो नहीं चाहती ना। गणेश, गुड़ खाने में कोई दोष नहीं है, किंतु बिना बताए खाना ये उचित नहीं है। मैं समझ गया माता, अब जब तक मुझे ना दिया जाए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। हाँ, किंतु भूखा भी नहीं रहना है, भूख लगे तो मुझसे मांग लेना। उचित है माता। श्रम करते समय परिणाम के विषय में विचार करना उचित नहीं, क्योंकि श्रम का परिणाम सदैव उचित ही होता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।